नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज वार्तालाप करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किस प्रकार कार्य करता है, उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। प्रकाश यानी लाइट होता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, उनकी क्या घटनाएं हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे, जो एक फिजिक्स का टॉपिक है। आज का टॉपिक रहेगा अपने पास वो है दोस्तों प्रकाश यानी लाइट क्या होती है, किस प्रकार कार्य करती हैं, इनके बारे में वार्तालाप करेंगे। तो मैं बात करूं दोस्तों प्रकाश की, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है दोस्तों, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे प्रत्येक जो काम होता है वो ऊर्जा के माध्यम से ही होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मेरे हाथ के अंदर भी ऊर्जा है। कौन सी है, पेशी ऊर्जा है। जैसे मान लो कोई समुद्र है या नदी है जिस पर कोई मान लो लकड़ी है या कोई प्लास्टिक है, वो चल रहा है, बह रहा है, तो उस वो भी क्या है, उसके अंदर भी गतिज ऊर्जा है। या मान लो अपने क्या किया, कोई पत्थर को लटका के रखा है तो उसके अंदर भी ऊर्जा है, उसके अंदर कौन सा है, स्थितिज ऊर्जा है। तो हर वस्तु के अंदर ऊर्जा पाई जाती है और प्रकाश के अंदर भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश खुद एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, जो क्या करता है, सीधी रेखा में क्या करता है दोस्तों, सीधी रेखा के अंदर गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। तो अपन कह सकते हैं प्रकाश सदैव होता है, वो क्या है कि सीधी रेखा के अंदर गमन करता है। तो मैं जैसे इसका एक प्रयोग करके एक प्रयोग किया था, उन्होंने प्रयोग में ये बताया था, जैसे प्रकाश है वो क्या है, एक सीधी रेखा के अंदर गमन करता है। तो किस प्रकार से गमन करता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अपने पास इस प्रयोग को समझने के लिए क्या करते हैं, एक अपने पास दो पाइप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों, दो पाइप ले लेते हैं। इस प्रकार से दो पाइप लेकर इन्होंने बताया, वैज्ञानिकों ने क्या किए, ये एक पाइप है, एक पाइप ले लिया इसने इस प्रकार का, जैसे मान लो यहाँ ले लेते हैं, इस प्रकार का घुमावदार पाइप ले लिया। ये दो प्रकार के पाइप लेकर उन्होंने बताया, जैसे मान लो इसने एक पाइप के मुख पर क्या रख दी, मोमबत्ती को रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों, मोमबत्ती को रख दिया। इस प्रकार से मोमबत्ती को रखा, फिर इसको जला दिया। इस पाइप के मुख पर भी क्या रखा दोस्तों, मोमबत्ती को रखा। किसको रखा राजा, मोमबत्ती को रखा इस प्रकार से। अब यहाँ से क्या हुआ, ये दूसरा मुख है इसका, वहाँ पर क्या रख दिया, दर्पण रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों, दर्पण रख दिया, यानी यहाँ पर रखा दर्पण और यहाँ पर भी क्या रखा, दर्पण को रखा। अब इस दर्पण को रख दिया, अब मोमबत्ती को जैसे ही जलाया तो मोमबत्ती को जलने पर क्या होता है, ये जो अपने पास जो पाइप है अपने पास, ये पाइप कौन सा है, ये है अपने पास घुमा सीधा पाइप, ये अपने पास क्या है, घुमावदार पाइप है। जैसे ही या मोमबत्ती जलाई तो मोमबत्ती या टॉर्च जो भी रख देते हैं, या मोमबत्ती रख सकते हैं या टॉर्च को भी रखा जा सकता है दोस्तों। ये टॉर्च को रखा, या तो मोमबत्ती या क्या रख सकते हैं अपन, टॉर्च को रख सकते हैं। जैसे ही इनको ऑन किया या मोमबत्ती को जलाया, यहाँ से प्रकाश क्या हुआ, उत्सर्जित हुआ। क्या हुआ राजा, प्रकाश है, ये प्रकाश यहाँ से उत्सर्जित हुआ और इस पाइप में से इस प्रकार से गया, इस प्रकार से ये प्रकाश गया। और यहाँ देखा तो यहाँ इसका क्या हो रहा है, परावर्तन होना शुरू हुआ। यहाँ इसका क्या हो रहा है दोस्तों, परावर्तन हुआ। परावर्तन किसका हुआ, प्रकाश का हुआ। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से इसको मोमबत्ती, यहाँ इसको क्या है, टॉर्च है, उसको ऑन किया या मोमबत्ती को जलाया, तो यहाँ से प्रकाश ये अंदर गया, यहाँ से टकराने के बाद वापस ये प्रकाश कहाँ लौट गया, इसी माध्यम के अंदर लौट जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है, यहाँ से ये प्रकाश इस दर्पण तक नहीं पहुँच पाया, नहीं पहुंच पाया। इसका कारण ये होता है, प्रकाश होता है वो राजा सदैव क्या होता है, एक सीधी रेखा के अंदर गमन करता है। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं अपन राजा, तो प्रकाश ऊर्जा है, सीधी रेखा में गमन करता है। इसके साथ साथ प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें क्या करती है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना का मतलब राजा, अपन देखें जैसे कोई अपन को वस्तु दिखाई दे रही है, जैसे आप वीडियो देख रहे हो या कोई वस्तु दिखाई देती है, ये सब किस कारण से दिखाई देती है राजा, प्रकाश के कारण से दिखाई देती है।
यदि प्रकाश नहीं होता है तो अपन को कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। दृष्टि का मतलब होता है देखने के लिए अपन को क्या है, इस प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि प्रकाश क्या हो, कम हो तो अपन को वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, प्रकाश अधिक हो तो अपन को वस्तु भी स्पष्ट दिखाई देती है। तो और इसके अलावा देखने के लिए जो आंख अपन नेत्र पड़ेंगे उसके अंदर क्या होता है, शंकु शलाकाई कुछ कोशिका होती है, वो बाद में पड़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इसकी जो भूमिका होती है वो होती है किसकी, प्रकाश की। इसके साथ साथ अपन बात करें, प्रकाश है वो राजा क्या है, एक प्रकार की प्रकाश है, वो क्या है, कणों के रूप में भी होता है। किसके रूप में, कणों के रूप में भी उपस्थित रहता है, कणों तथा तरंगों दोनों रूपों में पाया जाता है। प्रकाश क्या है, तरंगों में भी पाया जाता है और कणों के रूप में भी पाया जाता है। प्रकाश के कण भी होते हैं, प्रकाश के तरंग भी होते हैं। इसलिए इस प्रकाश की अपन में बात करूं दोस्तों, प्रकाश की क्या होती है, इसलिए प्रकाश की कौन सी प्रकृति होती है, दोहरी प्रकृति होती है। कौन सी प्रकृति होती है, दोहरी प्रकृति होती है प्रकाश की, प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। ये सर्वप्रथम बताया गया था, वहाँ वैज्ञानिक था अपने पास, कौन सा वैज्ञानिक था, वो था डी ब्रोगली। कौन सा था राजा, डी ब्रोगली। ब्रोगली वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम ये बताया गया था प्रकाश क्या है, एक दोहरी प्रकृति की पाई जाती है। प्रकाश में दोहरी प्रकृति, यानी प्रकाश कणों के रूप में भी होता है और प्रकाश किस रूप में होता है, यानी तरंगों के रूप में भी होता है। तो इस कणों, प्रकाश के जो कण है राजा, इस प्रकाश के कण को अपन क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। प्रकाश के कणों को अपन फोटोन कहते हैं, प्रकाश के कणों को फोटोन के नाम से जाना जाता है। अब है प्रकाश का जो एक प्रकाश तरंग सिद्धांत है, कुछ प्रकाश का विद्युतीय चुम्बकीय सिद्धांत है, कुछ प्रकाश के क्या है, जो प्रकाश सात रंगों में के अंदर भी विभक्त होता है, इसके बारे में अपन देखते हैं। जो प्रकाश की दोहरी प्रकृति का सिद्धांत दिया गया था वो राजा डी ब्रोगली के द्वारा दिया गया था। अब आप बात करें प्रकाश की जो तरंग सिद्धांत है, प्रकाश की तरंग सिद्धांत, यानी तरंगों के माध्यम से क्या किया गया था, एक प्रकाश का तरंग सिद्धांत भी दिया गया था राजा। क्या दिया गया था, तरंग सिद्धांत दिया गया था। ये दिया गया था राजा, ये किसने, हाइगेज ने दिया था प्रकाश की तरंग सिद्धांत दिया गया था। कुछ सिद्धांत और हैं प्रकाश के, वो आगे देखते हैं। जैसे ये मुख्यतः सिद्धांत हो गए, कुछ प्रकाश के सिद्धांत से संबंधित और है, जैसे प्रकाश का एक है विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत। प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत दिया गया था, विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था, वो प्रतिपादन किसके, मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था राजा, मैक्सवेल था वैज्ञानिक। इन्होंने क्या किया था, इस विद्युत चुम्बकीय, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका नाम था राजा, वो क्या था, मैक्सवेल ने क्या दिया था, विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत दिया गया था। इसके अलावा एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था न्यूटन। क्या नाम था राजा, न्यूटन। न्यूटन ने क्या कहा था, जो श्वेत प्रकाश होता है, ये श्वेत प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश सात रंगों में विभक्त होता है। कितने रंगों में राजा, सात रंगों के अंदर विभक्त होता है, सात रंगों में विभक्त होता है। ये किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था राजा कि प्रकाश है वो प्रकाश सात रंगों के अंदर पाया जाता है। कितने रंगों के अंदर पाया जाता है दोस्तों, सात रंगों के अंदर पाया जाता है। और उसके बाद प्रकाश अपन देखें, प्रकाश की जो साल होती है, वो प्रकाश की साल हर माध्यम के अंदर अलग अलग होती है। अगर मान लो कोई निर्वात है, उसके अंदर प्रकाश की साल अलग होगी, और गैस है उसके अंदर प्रकाश की साल अलग होगी, यानी प्रकाश का वेग, और द्रव के अंदर अलग होगा और ठोस के अंदर अलग होगा। तो मैं बात करूं
एक प्रकाश सिद्धांत या प्रकाश प्रकाश के वेग की गणना, प्रकाश के वेग की गणना गणना की गई थी राजा, वो किसने की गई थी? प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम की गई थी, वो किसने की थी? ऑल रोमर ने। किसने की थी राजा? ऑल रोमर ने की थी। प्रकाश के वेग की गणना ऑल रोमर के द्वारा की गई थी। उन्होंने ये बताया जो निर्वात है, उन्होंने क्या बताया राजा? जो निर्वात है, निर्वात के अंदर, निर्वात में प्रकाश की, प्रकाश का निर्वात में प्रकाश का वेग होता है ना राजा, वो वेग सर्वाधिक होता है। कैसा होता है? सर्वाधिक होता है। वो कितना होता है राजा? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जो निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग होता है राजा, वो सर्वाधिक होता है। अब अपन बात करें कि प्रकाश का वेग होता है हर माध्यम में अलग अलग होता है। मैं यह बात करूं, सबसे अधिक प्रकाश का वेग होता है वो किस में होता है दोस्तों? निर्वात में होता है। उसके बाद कहाँ होता है? गैस माध्यम में होता है। उसके बाद कहाँ होता है? द्रव माध्यम में होता है। कहाँ होता है राजा? द्रव माध्यम। उसके बाद कहाँ होता है? ठोस माध्यम में होता है। ये प्रकाश के वेग का क्रम है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में होती है। निर्वात का मतलब होता है राजा, निर्वात का मतलब होगा ऐसा माध्यम जिसमें वायु की मात्रा अनुपस्थित हो, ऐसा माध्यम जिसमें अन्य, या अपन कह सकते हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें वायु भी अनुपस्थित हो, वायु को भी निकाल दिया जाता है, तो फिर वैसा माध्यम क्या कहलाता है? निर्वात कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रकाश के वेग की जो गणना है वो रोमर ने की थी। और रोमर ने यह भी बताया था सर्वाधिक वेग होता है राजा वो किसमें? निर्वात के अंदर होता है। निर्वात के बाद वेग किसके अंदर होता है राजा? गैस में होता है। गैस के बाद द्रव में, द्रव के बाद किसमें होता है? ठोस के अंदर पाया जाता है। ये वेग का क्रम है प्रकाश के वेग का। आगे अपन देखते हैं राजा, प्रकाश है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है वो किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रकाश का परावर्तन होने के लिए क्या होता है। कोई प्रकाश का परावर्तन कब होगा? जब किसी दर्पण या समकिली पृष्ठ से कोई प्रकाश की किरणें टकराएगी तो ही प्रकाश का परावर्तन होगा। जैसे मान लो अपने पास कोई माध्यम है, क्या है राजा? ये माध्यम है। यहाँ पर क्या किया जाता है? इसके एक तरफ क्या कर दी जाती है राजा? पॉलिश कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है राजा? एक तरफ इसकी पॉलिश कर दी जाती है, ये पॉलिश कर दी जाती है, ये एक तरफ पॉलिश कर जाती है, तो ये दर्पण बन जाता है। अब ये पॉलिश किसकी हो सकती है राजा? ये जो, अब ये क्या बन जाएगा? किसका कार्य करेगा? दर्पण का कार्य करेगा। क्या करेगा? दर्पण का। ये पॉलिश होती है, ये किसकी हो सकती है राजा? सिल्वर की हो सकती है, HG की हो सकती है, यानी पारा, या इसे मरकरी भी बोला जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हो सकती है, Al2O3 की हो सकती है, और इसके अलावा अलावा सिल्वर नाइट्रेट की हो सकती है, AgNO, ठीक। इसके अलावा निकल की हो सकती हैं, किसकी हो सकती है राजा? निकल, और इसके अलावा ZN की भी हो सकती है, किसी की भी पॉलिश गई हो। पॉलिश करने पर यह दर्पण का कार्य करेगा। इसमें अपन देखते हैं यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी? या तो प्रकाश की किरण आएगी सूर्य से, या अन्य किसी माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। ये सूर्य से भी आ सकती हैं या अन्य किसी माध्यम से भी आ सकती हैं, और वापस यहाँ से टकराने के बाद वापस कहाँ जाएगी? इसी माध्यम के अंदर चली जाएगी, इसी माध्यम में चली जाएगी। तो ये सूर्य से आए या अन्य माध्यम से। अच्छा, एक प्रश्न आ सकता है, जो प्रकाश की किरण है राजा सूर्य से कहाँ आ रही है? पृथ्वी तक आ रही है। कोई प्रकाश की किरण सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेती है?
कई बार पूछा जाता है, तो ये कितना 8 मिनट 19 सेकंड का क्या लेती है, समय लेती है, 8 मिनट 19 सेकंड, या इसको लिख सकते हैं राजा कितने 499 सेकंड का समय लेती है, यानी कोई प्रकाश की किरण सूर्य से कहाँ आ रही है, पृथ्वी तक, तो ये समय लगेगा। ये तो थी प्रकाश की किरण। अब मान लो कोई प्रकाश की किरण चंद्रमा से आ रही है, चंद्रमा से, चंद्रमा खुद तो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है राजा, चंद्रमा एक क्या है, प्रदीप्त पिंड है। प्रदीप्त पिंड का मतलब होता है कि वे पिंड जो अन्य किसी दूसरे के प्रकाश से समकता हो वो प्रदीप्त पिंड कहलाता है। अब चंद्रमा प्रदीप्त पिंड है, जैसे ही सूर्य का कोई प्रकाश की किरणें, सूर्य के प्रकाश की किरणें कहाँ आएगी, चंद्रमा पर टकराएगी, तो चंद्रमा चमकना शुरू होगा। वहां से चंद्रमा से, मैंने सूर्य की कोई प्रकाश की किरण चंद्रमा पर आई, चंद्रमा से परावर्तित होकर कहाँ आई, अपने तक पहुंची, अपने तक पहुंची, तो अपन कह सकते हैं कि चंद्रमा की परावर्तित, क्या कह सकते हैं, खुद चंद्रमा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, इसलिए अपन कह सकते हैं चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती हैं, 1 मिनट 28 सेकंड का। कितना समय लेती है राजा, 1 मिनट 28 सेकंड के अंदर चंद्रमा से परावर्तित किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं, सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेती है। अपन इधर आ जाते हैं वापिस, प्रकाश परावर्तन, जो प्रकाश परावर्तन की परिभाषा लिखें तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण या समकीली पृष्ठ से, दर्पण कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं सिकनी सतह, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण या सिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, और इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या परिभाषा हो जाएगी राजा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण या समकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। और जो प्रकाश की किरण किसी वस्तु या किसी दर्पण पर टकराती है, किसी वस्तु या किसी दर्पण पर टकराती है, उस टकराने वाली प्रकाश की किरण को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इस किरण को कहते हैं अपन आपतित किरण। क्या कहा जाता है राजा, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहा जाता है राजा, आपतित किरण कहा जाता है। और ये टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौटने वाली प्रकाश की किरण को अपन क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण कहा जाता है, ये परावर्तित किरण कहा जाएगा। अब जो आपतित किरण है, इस परावर्तित किरण के बीचों बीच क्या होता है, एक लंब होता है। क्या होता है राजा, एक लंब होता है, जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है, एक लंब होता है। इस लंब को किस नाम से जाना जाता है, इस लंब को कहा जाता है राजा अभिलंब। क्या कहा जाता है, इसे अभिलंब कहते हैं, इसे अभिलंब कहा जाता है। तो अभिलंब का मतलब, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। ये अभिलंब है, इसका मतलब क्या होगा राजा, जितनी ये अभिलंब होगा तो ये क्या करेगा, जो ये कोण है, इस कोण को क्या करेगा, दो बराबर भागों के अंदर विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। यानी मान लो अपने पास क्या, एक सरल रेखी है, कोई रेखा है, सरल रेखा, उस पर कोई लंब डालेंगे तो क्या होगा, वो यानी 90-90 डिग्री के कोण में विभाजन करेगी कि नहीं करेगी। यानी कहने का मतलब, अपने पास ये सरल रेखा है, यहाँ कोण बना है कितना, 180 डिग्री का, यहाँ कोई लंब डाला जाएगा तो ये कितने कितने के होंगे, 90-90 के। तो यहाँ जितना कोण था उतना उस कोण को दो भागों में विभाजित कर देता है कोण, कोण कर देता है राजा अभिलंब, उस कोण को दो भागों में विभाजित कर देता है। अब क्या होता है कि जो ये एक कोण बना, एक ये कोण बना, इनको किस नाम से जाना जाता है, ये कोण बना है ये किसके सापेक्ष है, ये कोण बना है ये आपतित किरण वे अभिलंब के सापेक्ष है, तो इस कोण को अपन क्या कहते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं राजा, आपतन कोण कहा जाता है। और यह परावर्तित किरण के सापेक्ष बना है अभिलंब के साथ, इसलिए इसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहा जाता है राजा,
परावर्तन कोण कहा जाता है। अब दिक्कत ये होती है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं, एक को दर्शाते किससे आई से, एक को दर्शाते आर से। अब ये भी अपन को पता रहता है कि एक को आई से दर्शाते और एक आर को आर से दर्शाते। अब किसको दर्शाते ये देखना, यहाँ है पहला अक्षर प, यहाँ है अ, पहले कौन आता है राजा, अ वाला आएगा, इधर से आई और आर में से पहले कौन आता है, आई आता है। तो यहाँ पर अपन बात करें पहले आई आएगा, तो आपतन कोण को आई से दर्शाएंगे, परावर्तन कोण को आर से दर्शाएंगे। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। इसके बाद देखें जितना कोण आई होगा उतना का उतना कोण होगा आर होगा, जितना कोण आई होगा उतना का उतना क्या होगा आर कोण होगा, ये भी हो जाएगा। एंड दूसरी बात ये इस पे क्या आ रहा है, ये दर्पण एक सतह है, इस पर एक लंब डाला जा रहा है, तो यहाँ से इस कोण की बात करें तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, समकोण होगा कि नहीं होगा। ये एक सरल रेखा है, इस पर एक लंब आ रहा है, तो लंब क्या करेगा, दो यानी सरल कोण को कितने दो भागों में विभाजित करेगा, तो अभिलंब व दर्पण के सापेक्ष कोण बनता है वो सदैव कितने 90 डिग्री का बनता है। इस प्रकार से प्रश्न आता है। अब अपन आगे देखें जो ये प्रकाश परावर्तन है, इस प्रकाश परावर्तन के नियम भी है, प्रकाश परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं, प्रकाश परावर्तन के नियम की मैं बात करूं तो प्रकाश परावर्तन के नियम कितने हैं, प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम कौन कौन से हैं, पहला नियम देखो, पहला नियम क्या हो जाएगा राजा, यहां पर देखो ये आपतित किरण ये परावर्तित किरण ये अभिलंब तीनों ही क्या है, एक ही तल एक ही बिंदु पर क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ये प्रकाश परावर्तन का प्रथम नियम है। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, आपतित किरण दूसरी कौन सी है, परावर्तित किरण वे अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब ये जो आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तीनों ही एक ही तल में उपस्थित होते हैं। दूसरा नियम है जितना आपतन कोण होगा उतना का उतना क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। तो दूसरा नियम मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, दूसरा नियम लिखूंगा दोस्तों, आपतन कोण वे परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूं राजा, कोण आई बराबर कोण क्या होगा आर, जितना कोण आई होगा उतना का उतना आपतन होगा। कहने का मतलब परावर्तन कोण है, ये कोण जितना होगा उतना का उतना ये होगा। इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं जो इसके साथ ये कह सकते हैं प्रकाश परावर्तन के प्रकार भी होते हैं, प्रकाश परावर्तन के क्या होते हैं, प्रकार भी होते हैं। प्रकाश परावर्तन के प्रकार की बात करूं, प्रकाश परावर्तन के प्रकार होते हैं राजा वो दो होते हैं। एक तो होता है कौन सा, नियमित प्रकाश परावर्तन, एक होता है वो कौन सा है, अनियमित प्रकाश परावर्तन, या इसे कहते हैं विसरित प्रकाश परावर्तन।
ये क्या हो गए, इनके दो प्रकार हो गए। एक तो कौन सा है, नियमित प्रकाश परावर्तन, एक अनियमित प्रकाश परावर्तन। नियमित और अनियमित क्या होता है अपन समझते हैं। नियमित प्रकाश परावर्तन की बात करेंगे, नियमित प्रकाश परावर्तन, नियमित के अंदर क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें होगी वो किसे, एक समतल माध्यम से टकराएगी या समतल दर्पण से टकराएगी। यहां से कोई प्रकाश की किरणें आ रही है वो एक समतल पृष्ठ से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस प्रकार की घटना को अपन क्या कहते हैं, नियमित प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। कैसा कहते हैं, नियमित प्रकाश परावर्तन। नियमित प्रकाश परावर्तन के अंदर क्या होगा राजा, ये कोण होगा, ये सभी किरणों का क्या होगा, समान होगा। या मान लो थीटा कोण है तो यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा, समान होगा। और दूसरा प्रकार है अपने पास, वो कौन सा है, दूसरा प्रकार है वो है अनियमित। कौन सा है राजा, अनियमित, या इसे क्या कहते हैं, विसरित प्रकाश परावर्तन, अनियमित या विसरित प्रकाश परावर्तन के नाम से जाना जाता है। अनियमित या विसरित प्रकाश परावर्तन होता है दोस्तों, ये क्या होता है, जैसे यहां स्पष्ट है वो कैसी है, समतल है। यहां जो पृष्ठ होगी राजा वो पृष्ठ कैसी होगी, यहां जो पृष्ठ होगी वो कैसी होगी, जिगजोग होगी, जिगजोग, या इसे कह सकते हैं खुरदरी, खुरदरी सतह होगी। कैसी सतह होगी, खुरदरी सतह होगी दोस्तों। यदि खुरदरी सतह से कोई प्रकाश की किरण यहां आपतित होगी तो ये क्या होगा, अलग अलग कोण से, जैसे अलग अलग, जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण इस ढलान वाले पे होगी तो इसका कोण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मान लो ये प्रकाश की किरण यहाँ टकरा रही है तो इस प्रकार से जाएगी। यहाँ से अपन बात करें, ये कोण होता है, ये कोण सभी किरणों का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अनियमित प्रकाश परावर्तन की परिभाषा हो जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरे या जिगजोग पृष्ठ पर आपतित होती हैं, जो परावर्तन के बाद अलग अलग दिशाओं के अंदर या टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं, तो उसे प्रकाश का अनियमित या विसरित कहते हैं, विसरित प्रकाश परावर्तन। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है, वो एक ये पूछा जाता है कि नियमित प्रकाश परावर्तन के अंदर कौन सी सतह होती है, समतल, और अनियमित प्रकाश परावर्तन के अंदर सतह होती है वो कैसी होती है राजा, खुरदरी सतह होती है। आगे अपन बात करें कुछ प्रश्नों की, जो अपन अभी पढ़ा था राजा, कि ये जो है कि इनसे मान लो प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, या तो इनके नियम पूछे जा सकते हैं राजा, और नियम नहीं पूछे जाएंगे तो परिभाषा देकर पूछी जा सकती है कि कौन सी परिभाषा। जैसे ये पूछा जा सकता है कि किसी सतह पर आपतित, किसी सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरण को कहा जाता है, तो सतह से कौन टकराती है, आपतित किरण, तो इस प्रकार से। या जो कौन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे वो किस प्रकार से हैं, इधर देखो, पहला प्रश्न है अपने पास, एक प्रकाश की किरण किसी दर्पण से 40 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है तो परावर्तन कोण होगा। एक कोई प्रकाश की किरण है, आप इसको पोज करके करने की कोशिश करें, फिर मैं आगे करवाता हूँ। यानी यहाँ पर सीधी सी बात है, एक प्रकाश की किरण है, क्या है राजा, एक प्रकाश की किरण है। जैसे अपने इसका चित्र बना के करेंगे, एक माध्यम है, जैसे यहाँ पर अपने पास इस तरफ क्या कर ली, पॉलिश, पॉलिश करने के बाद ये किसका काम करेगा, दर्पण का। अब प्रश्न को पढ़ो और आगे बढ़ो, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, एक प्रकाश की किरण किसी दर्पण से, यानी ये प्रकाश की किरण है इस दर्पण से आपतित हो गई, दर्पण से 40 डिग्री, ये एक बार छोड़ो, 40 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, ये दर्पण से, यानी मतलब ये कोण है, ये कितना है, 40 डिग्री का है, हो गया, दर्पण से है ना, दर्पण से 40 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है तो परावर्तन कोण, इसका मतलब ये किरणें कहाँ होगी, किरण होगी वो परावर्तित भी होगी, यहाँ से आई या गई। अब पूछा क्या है, परावर्तन कोण, कौन कौन सा कोण आर पूछा गया है, तो क्या होगा,
कोण आर पूछा है राजा, तो यहाँ आपको पता है ये किरण है, ये किरण कौन सी है, आपतित किरण, आपतित किरण हो जाएगी राजा, और ये कौन सी हो जाएगी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो जाएगी। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या खींचा जाता है, आपतित किरण और परावर्तित के बीच में लंब खींचा जाता है, और उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ये पता है आपको। और ये लंब क्या करता है, इस किरण को, इस कोण को दो भागों में बांटता है, इस प्रकार ये जितना कोण होगा उतना का उतना क्या होगा, ये कोण होगा, ये आपको पता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये सरल रेखा थी, सरल रेखा को एक लंब ने क्या हुआ, लंब डाला गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कोण होगा दोस्तों, ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ये पूरा का पूरा कोण होगा, ये कितने का होगा, 90 का, इसका मतलब ये भी कितने का होगा, 90 का होगा कि नहीं होगा। अब ये 90 का कोण है, यहाँ से ये कितने का कोण है, 90 का कोण है, ये कोण अपन को दे रखा है, ये पूछा है, 90 के कोण को दो भागों में बांटा गया है, एक कोण कितना है, 40 डिग्री का, तो इसको आप एक्स मान के कर सकते हैं, 40 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और ये प्लस में उधर जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये कोण होगा आपतन कोण, ये कितना होगा, 50 डिग्री हो जाएगा। इससे संबंधित प्रश्न आता है दोस्तों, तो सबसे पहले डायग्राम बना के करो, कभी गलत नहीं होगा। इसका एक और प्रश्न है, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर 60 डिग्री के कोण से परावर्तित हो जाती है तो आपतन कोण का मान होगा। मैं ऑप्शन दे सकता हूं आपको, 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 120 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 30 डिग्री, चौथा ऑप्शन है आपके पास 50 डिग्री। क्या करोगे, अभी करो आप। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें भी आप क्या बनाओगे, ये आरेख बनाओगे, एक तरफ क्या कर लिया इसके राजा, पॉलिश कर ली, क्या कर ली, पॉलिश कर ली। अब क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण, यानी कोई प्रकाश की किरण है, जैसे ये कोई प्रकाश की किरण है, यदि कोई प्रकाश की किरण से किसी समतल, ये सतह कौन सी है, समतल, समतल सतह से टकराकर 60 डिग्री के कोण से परावर्तित होती है, टकराकर ये 60 डिग्री के कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित, ये कोण है, ये अपने पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री के कोण से परावर्तित हो जाती है तो आपतन कोण का मान होगा। ये पूरा कोण है 60 डिग्री है, और ये अपन को पता है, या बीच में क्या खींचा जाता है दोस्तों, लंब खींचा जाता है, क्या खींचा जाता है, लंब, ये अब इसे अपन क्या कहते हैं, अभिलंब, क्या कहते हैं, अभिलंब। ये क्या करता है, इस कोण, इस जो कोण है इसको दो भागों में बांटता है, और ये दो भाग समान होंगे। ये पूरा का पूरा कोण है अपने पास राजा, ये पूरा का पूरा कितने हैं, 60 डिग्री का, कितना है, 60 डिग्री का, पूरा 60 का है, ये अभिलंब दो भागों में बांटेगा तो ये कोण कितने का होगा, 30 डिग्री का, और ये कोण कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अपने कहा कि कोण जो आई है वो क्या है, कोण आर के बराबर है, इसका मतलब ये कोण ये बराबर है, हो जाएगा। ये आपतित हुई, मतलब पूरी किरण है कितने के कोण से आपतित हुई, 60 के, इसका मतलब अभिलंब खींचेंगे, इस 60 को दो भागों में बांटेगा तो 30-30 डिग्री। यहाँ पूछा क्या है, आपतन कोण, यानी कोण आई का मान पूछा है, वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, कोण आई कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सरल है। आगे देखो, अगला प्रश्न है, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर 60 के कोण से परावर्तित हो जाती है तो आपतन कोण, ये सेमी कोण था, अपन ने कर लिया। अगला देखो चौथा, यदि कोई प्रकाश की किरण 120 डिग्री के कोण से, 120 डिग्री के कोण से क्या हो रही है, परावर्तित हो जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण 120 डिग्री के कोण से परावर्तित हो जाती है तो आपतन कोण, ये भी सेम ही है, ये प्रकाश की किरण थी 120 डिग्री के कोण से परावर्तित हुई, यहाँ बीच में क्या है, अभिलंब है, तो ये कोण कितने का होगा, 60 का, ये भी कितने का होगा राजा, 60 का। तो पूछा क्या है, कोण आपतन कोण का मान कितना होगा, आपतन कोण का कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये थे अपने कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और
दोस्तों कल अपन क्या करेंगे, जो इससे आगे वाला यानी जो प्रकाश परावर्तन के उदाहरण है, उदाहरण तो वैसे ज़्यादा नहीं होते हैं, इसके उदाहरण आज ही देख लेते हैं। उदाहरण क्या होता है, प्रकाश परावर्तन के कारण अपन को क्या दिखाई देती है, वस्तु दिखाई देती है, और प्रकाश परावर्तन के कारण ही यानी किसी वस्तु की जो विशेषता है, संपूर्ण विशेषता अपन को प्रतीत होती हैं, या प्रकाश परावर्तन का उपयोग यानी जो मेकअप वगैरह होता है वो भी क्या है, प्रकाश परावर्तन के नियम पर ही कार्य करते हैं। कल आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, कल अपन पढ़ेंगे जो दर्पण होते हैं वो दर्पण किस प्रकार से कार्य करते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको कंटिन्यू हर क्लास, हर कंप्यूटेशन की क्लास आपको दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।